Hello, my stylish and ambitious friends. This is Mirani, once again here with you. Friends, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. तो अब आप मुझे बताइए, what is communication skills? अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे communication skills मतलब मुझे हिंदी या इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए. या कम्युनिकेशन स्किल्स यही है, मेरे को कैसे इम्प्रूव करना है. तो वो भी आप सोचेंगे कि हाँ, हिंदी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, बोलने में बहुत अच्छा हो जाऊँ, बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँ. सो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं तो इट्स रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हैं. ये एक सिर्फ पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसको डेवलप करने का. और अगर आपने कुछ और सोचा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की तो डिफरेंट डिफरेंट सोच होती है. अब मैं तो एक ही हूँ तो मैं एक ही इसका सोच पाई हूँ कि हाँ, आप लोग ऐसा सोच सकते हैं. लेकिन अब आपने जो अलग अलग चीज़ें सोची वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. पर अभी मैं आपकी गलतफहमी दूर करती हूँ. कम्युनिकेशन स्किल मीन्स हम जिस तरीके से, मतलब मैं आपको कुछ भी बोलना चाह रही हूँ, आप उसी वे में समझे, उतने ही अच्छे से समझे जितने अच्छे से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. मैं चाह रही हूँ कि आपको समझना चाहिए. और तो ये कम्युनिकेशन स्किल होता है. कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ हमारी बातों के ही बीच का ब्रिज नहीं होता है, वो हमारे माइंड से जिस पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं, जिसे हम कुछ मैसेज दे रहे हैं, उसके माइंड में इंटरेक्ट करना ही कम्युनिकेशन स्किल्स होता है. और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हाँ, आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर लीजिए या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हाँ जिसकी आपको ज़रूरत है आप उसको अच्छा कर लीजिए. नहीं, इसके साथ साथ आप में लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कि आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए. अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आपको उसको एकदम पैशन के साथ सुनना भी पड़ेगा कि हाँ, वो क्या बोल रहा है, उसकी बातों को समझना भी पड़ेगा. एंड फिर उसकी बातों से रिलेट करके उसको फीडबैक भी देना पड़ेगा. अब आप कैसे फीडबैक देते हैं कि मतलब हाँ, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है कि हाँ, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं या उसकी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं. तो जब पूरी प्रोसेस, एक व्यक्ति जब एक पर्सन बोल रहा है, कुछ बता रहा है आपको अपने बातें, एंड देन आप उसको उसी वे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड देन उसको फीडबैक दे रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है. और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें किसी भी बात को कितने इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट ये है कि आप कितना शार्पली सुनते हैं किसी भी चीज़ को, कितने ध्यान से सुनते हैं, कितना फोकस्ड होकर सुनते हैं. एंड देन थर्ड ये हो गया कि आप किसी को भी किस तरीके से फीडबैक देते हैं. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैजुअली हम इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. और सबसे ज़्यादा 85-90% लोग ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम किसी से भी कैजुअली किसी से भी मिलते हैं तो डायरेक्ट किसी से बात नहीं करते, बट हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन फिर भी कम्युनिकेट करता है. तो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, किसी बात को कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझाते हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये पूरा है, पूरा है, सिर्फ इंग्लिश या हिंदी को फ्लुएंट बनाना है, अच्छा बनाना नहीं है. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा. और अब अगर आप सोचेंगे कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, तो आप अपनी लिसनिंग, अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन विथ स्पीकिंग, सब पर ध्यान देंगे. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो